सबसे पहले आप सभी को नए साल 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोग चाहते हैं कि 2021 आपके लाइफ का सबसे बेस्ट साल बने। आप सभी लोग चाहते हैं जो रिजल्ट आपको 2020 में मिला है उससे कहीं बेहतर रिजल्ट आपके बिजनेस में, आपके जॉब में आपको मिले। लेकिन आप ये भी जानते हैं, सिर्फ आपके चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए आप खुद को बदलना पड़ता है। जैसे कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, वो बोलते हैं, थिंग्स टू चेंज वी नीड टू चेंज एंड थिंग्स टू बिकम बेटर वी नीड टू बिकम बेटर। हम चाहते हैं जो हमारे साथ हो रहा है उसको वो बदले, तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका 2021 बहुत बेहतर जाने वाला है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। स्टार्ट करते हैं पहले टिप से। तो पहले टिप में मैं आपको बताना चाहता हूं, सेट योर गोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत से लोगों को बोलता हूं कि स्टार्टिंग अ न्यू ईयर विदाउट सेटिंग गोल इज लाइक स्टार्टिंग अ रोड ट्रिप विदाउट मैप। अगर आप चाहते हैं कि आपका 2021 बेहतर बने, तो उसके लिए आपके पास उसका मैप होना चाहिए, गोल्स होने चाहिए कि एग्जैक्टली आपको पाना क्या है। और गोल कैसे सेट करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप एकदम बोलते ना, एकदम शांत प्लेस पे बैठिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए कि 2021 में आप क्या पाना चाहते हैं, कहां तक पहुंचना चाहते हैं अपने बिजनेस में। आप जिस फील्ड में हो उसमें आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए और उसके 5 मिनट बाद बुक लीजिए, पेन लीजिए और वही चीज लिखिए कि 2021 के दिसंबर तक मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो टारगेट है 2021 के दिसंबर तक मैं 2000 से ज्यादा लोगों की सेहत अच्छा करना चाहता हूं। हमारे भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट हैं, उसमें से मैं 2000 से ज्यादा लोगों का हेल्थ बदलना चाहता हूं, एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता हूं। तो ये मेरा गोल है दिसंबर में। और ये मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मैं सिखा रहा हूं कि वो लोगों की जिंदगी हेल्थ वाइज कैसे बदल सकते हैं। तो आपका गोल आपके पास होना चाहिए, विदाउट गोल आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आप जाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल यूपी से मुंबई, तो आपको उसी ट्रेन में बैठना होगा जो यूपी से मुंबई जाए। उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको टिकट निकालने पड़ेंगे, आपको टाइम पे पहुंचना पड़ेगा जब ट्रेन आए, जिस टाइम पे ट्रेन आती है तो जाके आप पहुंचेंगे अपने गोल पे, अपने डेस्टिनेशन जो आपका, जहां आप जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह अगर आप 2021 में आप जो सोच रहे हो वो पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गोल बनाने पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने गोल बना लिया ना, उसके बाद क्या, टेक एक्शन टू अचीव योर गोल्स। एक्शन लेने पड़ेंगे, आपके पास प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है। आपके पास पर डे का प्लान होना चाहिए, टू डू लिस्ट जिसको आप बोलते हैं कि आज सुबह 8 बजे आपको क्या करना है, 12 बजे क्या करना है, 2 बजे क्या करना है, शाम को 5 बजे क्या करना है, रात को 8 बजे क्या करना है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो छोटा छोटा जो आपका एफर्ट है ना, वो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देना देता है। तो आप अपने गोल को ना स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट कीजिए, एक्शन लीजिए डेली बेसिस पे, वीकली वाइज और फिर उसके बाद मंथली वाइज, और फिर उसको देखिए, रिव्यू कीजिए कि आप कहां तक पहुंचे। तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंड पॉइंट में बताया। नाउ थर्ड पॉइंट, रीड मोर गुड बुक्स। एग्जैक्टली ये मैं इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहूंगा, बुक्स को। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपना टाइम पास करते हैं नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन प्राइम वीडियोस देख के, या बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप क्या नाम है देख के अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन बुक कोई रीड नहीं करता। आप जिस फील्ड में ना, आप अगर उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको उसी फील्ड में जो लोग महारत हासिल कर चुके हैं, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा। सीखिए, पढ़ के सीखिए कि एग्जैक्टली आप क्या कम कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए जिससे आप आगे बढ़े। तो बुक्स है ना, वो आपके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। इसीलिए अब तक आपने अगर बुक नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ना चालू कीजिए। अगर आपको नहीं पता कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, आप हमें मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, डेफिनेटली आपको बताया जाएगा, आपको हेल्प किया जाएगा। तो स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स।
बुक्स आपके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। ओके तो ये मैंने आपको बताया थर्ड पॉइंट पॉइंट में। अब फोर्थ पॉइंट, आप में से बहुत से लोग हैं ना, आप 2020 में शायद ज्यादा लोगों से नहीं मिले होंगे या ज्यादा लोगों में रहना भी नहीं पसंद करते, लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आप लोगों के बीच में आपको रहना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोगों के बीच रहना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, उनके जो बेस्ट स्किल्स हैं वो सीख के आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसके लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो आपको ज्वाइन करना चाहिए, जिसको मैं फोर्थ पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ, ज्वाइन न्यूट्रिशन क्लब। न्यूट्रिशन क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया ज्वाइन होते हैं, जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ के बारे में चीजें बताई जाती हैं और उसके अलावा बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं जिसको आप अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप लोगों से सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया था तो कल से ज्वाइन करना चालू कीजिए न्यूट्रिशन क्लब। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। एग्जैक्टली कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको पैसा नहीं डालना पड़ता। बहुत से लोग सोचते हैं एक्सरसाइज जिम में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रोज 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे अपने लिए निकालिए टाइम जिसमें आप एक्सरसाइज कीजिए। आप सिंपल रनिंग करना चालू कीजिए, योगा करना चालू कीजिए, मेडिटेशन करना चालू कीजिए, व्हाटएवर, लेकिन स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज डेली। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल में पीछे रह सकते हैं। तो इस पे ध्यान दीजिए और एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना चालू कीजिए। सिक्स्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टार्ट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। एग्जैक्टली आप में से बहुत से लोग हैं जो शायद इनफ वाटर नहीं इंटेक करते जितना उनकी बॉडी को करना चाहिए। ये छोटी सी चीज है लेकिन इस पे ध्यान नहीं देते। हर एक 20 केजी पे एक लीटर पानी चाहिए। अगर आपका वजन 80 केजी है तो आपको कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। तो सिक्स पॉइंट में मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि वाटर हमारे हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपको इनफ वाटर पीना चालू करना चाहिए कल से ही। अगर आपको नहीं पता है ना तो आप अपना नाम, अपना हाइट, अपना वेट ये सब सेंड कीजिए, आपको बताया जाएगा कि आपके बॉडी से कितना वाटर इंटेक करना चाहिए। ओके तो ये सिक्स पॉइंट था। सेवन पॉइंट, लर्न न्यू स्किल्स। एग्जैक्टली आपको मैं बता दूं, हम में से बहुत से लोग हैं जो अपना टाइम पास कैसे भी कर देते हैं, फेसबुक को स्क्रॉल करते करते 2 घंटा बीत जाता है और उनको कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है। कोई कॉमेडी वीडियोस देख के या कुछ भी देख के अपना टाइम पास कर देंगे लेकिन नया स्किल नहीं सीखेंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इंटरनेट से ही, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से या ऑनलाइन काम करके ही अपने घर से बेहतर इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्किल सीखने पड़ेंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा, डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटा निकालना पड़ेगा नए स्किल सीखने के लिए। तो स्टार्ट लर्निंग। अगर जब तक आप लर्न नहीं करेंगे ना तब तक आप शायद अर्न भी नहीं करेंगे। तो अगर आप नए नए स्किल सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं। अब नेक्स्ट एट पॉइंट में मैं बोलना चाहता हूं, जो हम में से बहुत से लोग, शायद मैं भी करता था और अभी भी कभी कभी यही चीज होने लगता है, लेकिन फिर अपने आप को याद दिलाता हूं, डू वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही काम कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस समय पढ़िए, अगर आप काम कर रहे हैं उस समय काम कीजिए, अगर आप खेल रहे हैं उस समय खेलिए। बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइव करते समय मोबाइल यूज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शायद खाना खाते समय टीवी देखते हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। एक टाइम पे एक ही काम कीजिए पूरे फोकस के साथ। फोकस मतलब क्या? फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। फोकस का मीनिंग है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। एक कोर्स को फॉलो कीजिए जब तक आप उसमें सफल ना हो जाए। तो ये मैं आपको एट्थ पॉइंट में बताना चाहता हूं कि आप एक ही चीज पे फोकस कीजिए। नाइन्थ पॉइंट, गो टू बेड ऑन टाइम। एग्जैक्टली ये बहुत मामूली बात है। आप अब उनसे पूछिए जो जिनको शायद नींद नहीं आती है। अगर आप रेगुलर अपना एक टाइम फिक्स करेंगे ना कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, तो आपका एक रूटीन बन जाएगा जिससे आप कहीं ना कहीं अपने फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो टाइम पे सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह कम से कम 5 या मैक्सिमम 5:30 बजे आपको उठना चाहिए, जिससे आप दिन, बहुत से लोग 10 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, तो आप सोचिए अपने लाइफ का कितना साल आप सोने में ही गुजार देते हो। आपको कम से कम ना बोल के
सुबह 5:30 बजे तक उठ जाना चाहिए, उसके बाद अपना आप रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो एक सोने का टाइम बनाइए और उठने का टाइम बनाइए, जिससे आपका रूटीन बेस्ट जाए। अब हम बात करते हैं 10th पॉइंट का, ड्यू योर सेल्फ मोर कॉम्प्लीमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग अपने आप को लेके ही निगेटिव है, वो अपने आप पे ही शक करते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप ऐसे लाइन से स्टार्ट कीजिए अपना दिन, आई एम द बेस्ट, टूडे इज माई डे, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम विनर, आई कैन डू इट। एंड विटामिन जी के लिए काम कीजिए। विटामिन जी मतलब क्या? ग्रेटिट्यूड। आपके पास जो है ना, उसके लिए भगवान को धन्यवाद बोलिए। जो भी कुछ है, आप दो पैर है आपके पास, दो हाथ है, शायद बहुत से लोगों के पास नहीं है, दो आंख है आपके पास, शायद बहुत से लोगों के पास नहीं है, आपके पास एक अच्छी बॉडी है, शायद बहुत से लोगों के पास नहीं है, शायद बहुत से लोग अपने आइडियल वेट पे नहीं है, उससे परेशान है। तो आपके पास जो भी कुछ है ना, उसके लिए भगवान को धन्यवाद बोलिए और अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना सीखिए। सिर्फ निगेटिव चीजों पर ध्यान मत दीजिए, जो आपके अंदर सही चीजें है ना, उस पर फोकस कीजिए और उसको इंप्रूव कीजिए। नेक्स्ट लास्ट 11th पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं, लर्न इंपॉर्टेंस ऑफ 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज। 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है ना, तो शायद आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। मैं लोगों को देखता हूं, वो लग्जरी कार से उतरते हैं जिसका कॉस्ट करोड़ में होता है, लेकिन बिलीव मी, उनको उतरते हुए भी शायद 1 मिनट लगता होगा, उतरते हुए 1-2 मिनट, कार से उतरते हुए सोचे कितना सेकंड लगता है, लेकिन उनको शायद 2 मिनट लगता होगा। क्यों? क्योंकि उनका हेल्थ बहुत खराब है, वो अपने आइडियल वेट से 50 किलो ज्यादा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ को बेहतर एंजॉय करने के लिए आपको 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज पे फोकस करना होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, जितना भी मैंने 11 पॉइंट्स आपको टोटल बताए हैं, अगर आप 11 पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, उसको 2021 में अप्लाई करते हैं, सबसे पहला जो मैं बोला था, गोल पे ध्यान दीजिए। और लास्ट में मैं बोलना चाहता हूं, जो मैंने 11 पॉइंट्स बोले ना, उसको अप्लाई करके रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को रिव्यू नहीं करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपने क्या गलतियां की हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप लोग का 2021 सबसे बेस्ट साल जाए। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सभी को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।